জম্মু কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ দার্জিলিংয়ের সেনা জওয়ান ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার পার্থিব দেহ আজ নিয়ে আসা হলো। শহীদের কফিনবন্দি দেহ ফিরতেই শোকের ছায়া শহরে। এদিন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে করে বাগডোগরা বায়ুসেনার ছাউনিতে অবতরণের পর ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো শহীদ সেনা জওয়ানকে। এদিন শহীদকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিষ্ট, জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, জিটিএ চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিঙ্গল সহ সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। আগামীকাল জওয়ানের পার্থিব শরীর দার্জিলিং এ নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। শহীদ জওয়ানের মা বাবা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ছেলের দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। শহীদ ছেলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন মা। অন্যদিকে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ফের একবার এয়ার স্ট্রাইক দরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার বলে জানান দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট। आपके बेटा ने जिस तरह से एक युवाओं को मैसेज देके गया है, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? तो युवा लोगों को सबसे से फॉलो करना चाहिए इनको सबको ना, ये मतलब आजकल लोग जो है बाहर का आर्मी प्रोफेशन में ऐसे में कम जाते हैं बिजनेस करके, लेकिन अगर सभी लोग बिजनेस करने जाएंगे तो ये काम करो। दार्जिलिंग के वीर सपूत कैप्टन ब्रिजेश थापा जी ने मात्र 27 साल की आयु में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं समस्त जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं उनके परिवार को और उनकी माता और उनके पिताजी को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत भारत माता के लिए पैदा किए। और ये दुखद घड़ी है, दुखद समय है परिवार के लिए, मैं उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये जरूर कहना चाहूँगा, उन्होंने एक बेटा खोया है लेकिन पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है इस दुख के घड़ी में। और दार्जिलिंग की मिट्टी की विशेषता है, चाहे देश आज़ाद हो रहा था तब या उसके बाद, लगातार हमारी क्षेत्र की जनता ने देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी, अपना सर्वोच्च निछावर किया है। और मैं समस्त दार्जिलिंग की मातृशक्ति को भी कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। ये दुखद घटना है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान आए दिन अपने जो है आतंकी संगठनों के नाम बदल करके भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान को मुझे लगता है सुधरने की आवश्यकता है और भारत सरकार से भी अपील करता हूँ। बड़ा कष्ट होता है जब किसी वीर शहीद के पार्थिव शरीर को जब हम माला अर्पण करते हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को एक और एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता है।